अरे खबर खरगोन से, एक बड़ा अपडेट खरगोन बस हादसे पर आ रहा है। बस हादसे पर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन आरटीओ बरखा गौर को निलंबित कर दिया है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल जिला अस्पताल पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने घायलों से मुलाकात की, साथ ही खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल भी मौजूद थे। एक बड़ा हादसा हुआ था, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, एक बस जो है नदी में गिर गई और एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, सरकार की यह बड़ी कार्रवाई, खरगोन आरटीओ बरखा गौर को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल जिला अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल भी वहां पर मौजूद हैं। मंत्री कमल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से देख रहे हैं मंत्री जी, एक बड़ा हादसा है, अभी क्या कार्रवाई की गई? बहुत ही दुखद हादसा है और 24 लोगों की मृत्यु हो गई है। समय एक ड्राइवर की गलती के कारण कितना बड़ा हादसा हुआ, ड्राइवर खुद भी अभी डूब रहा है। तो इस प्रकार, लेकिन इसमें 35 बस की सीटर थी और 67 सवारी थी। तो आरटीओ की और इनकी गलती है कि इनको ओवरलोड नहीं देना, चेक करना चाहिए, चेक नहीं किया। हमने निर्देश पहले भी दिए हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से आरटीओ को तो हम निलंबित कर रहे हैं, लेकिन जो जो संबंधित नीचे के कर्मचारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने पहले शिकायत की थी मंत्री जी कि ये बस अनफिट है, ओवरलोडिंग होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, लेकिन क्यों अब तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं? हाँ, तो इसलिए प्रशासन की लापरवाही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की ना हमने और आगे करेंगे। आपको लगता है ऐसे हादसे ना उसको लेकर आप ठोस कदम उठाए? बिल्कुल नहीं, हो सख्त कार्रवाई की ना, कर रहे हैं हम और आगे देखेंगे, नहीं होना चाहिए। और हमको जनता को भी जागरूक करना होगा कि जब मालूम है बस के अंदर 35 सीट है और फिर भी हम उसके अंदर बैठते जाते हैं तो वो भी खतरा ही है। तो हम जागरूक जनता को भी करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त करेंगे और जो गड़बड़ करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ये भी होगा। दूसरा, हम गांव के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि तत्काल मौके पे पहुंचे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष बदिलाल जी, पूरी गांव की टीम जो पास में ही गांव थे, उन्होंने बस में से लोगों को, गांव वालों ने निकाला और हमारे एसपी कलेक्टर भी तत्काल पहुंच गए क्योंकि यहां से 15 किलोमीटर दूर था और त्वरित कार्रवाई होने से कुछ लोगों की जानें बच गई और यहां पर तत्काल इलाज भी हो गया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग भर्ती हैं सब स्वस्थ हों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज करने के मैंने निर्देश दिए कि आईसीयू में भर्ती करिए, सब कर रहे हैं। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, खरगोन।